करना क्या है, आपका स्टेप ब्लीच पाउडर आपने डालना है, फेस पे कर रहे हैं तो आपने थोड़ा डालना है, ठीक है। अब हम इसका ना स्किन थोड़ी मेरे ख्याल से सेंसिटिव है, सेंसिटिव है ना, तो हम थोड़ा सा पाउडर डालते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। वैसे ज़्यादा पार्लर में ज़्यादा भी डाल लेते हैं लेकिन वो उससे स्किन जो है रेड हो जाती है। सबसे पहला स्टेप क्या है, ब्लीच का पाउडर, फिर डेवलपर होगा हमारे पास जो भी है 20 वॉल्यूम होता है वो डाल देना। क्रीम को डेवलपर बोलते हैं जी, क्रीम कहते हैं क्रीम, क्रीम हाँ क्रीम उसको डेवलपर। और ना आपकी हम अक्सर आप लोग घर में यूज करते होंगे ब्लीच, तो आपकी स्किन वो व्हाइट भी हो जाती है, रेड भी हो जाती है, जलन होती है, तो आपने ना फिर क्या यूज करना है, सूथिंग लोशन। ये लाजमी आपको पता होना चाहिए, सूथिंग लोशन जो है ब्लीच में लाजमी डालना चाहिए, उससे आपको इरिटेशन नहीं होती, जलन नहीं होती, बाद में भी लगा सकते हैं। वो लगाएं जिनकी रेडनेस हो जाए, जिनको थोड़ी जलन हो रही, स्किन जल जाती है, और वो आपने लगाना है। अब सूथिंग लोशन कितना डालना है ये भी देख लें। अब मैं एक फेस के लिए बना रही हूँ सिर्फ, ये देखें थोड़ा सा। अब हमने इसमें और चीज़ें भी तो डालनी है। अच्छा, तीसरा स्टेप जो है हमारे पास स्किन शाइनर, ये क्या है, इसको भी आपने ब्लीच में ही डालना है, स्किन इससे शाइन करेगी, ग्लो होगी, जैसे ग्लोई आपका ना आती है, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। शाइनर भी आपने लाजमी डालना है हमेशा, जब भी ये सीक्रेट आपको पार्लर वाली भी छुपाती है अक्सर, नहीं बताती, ठीक है, ये आपने लाजमी डालना है। देखें इसको मिक्स कर लेना है, अभी मैं सिर्फ एक फेस के लिए बना रही हूँ, ठीक है। जब आपने हाथ पाँव के लिए बनाना है, हाथों के लिए अलग बनाया, उस पर जो पाउडर है वो ज़्यादा डालना है, और वो एक क्वांटिटी वाली मिलती है आपके पास, उसे आपने मेयर कर लेना, वो डालना है, ठीक है। छोटा सा चम्मच बना लें आप, जिसे लगा के देखें ना जलन नहीं हो रही, तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। समझ आ गई है सबको मैम, ये सूथिंग लोशन और ये जो है शाइनर डाला, ये हर ब्रांड में मिलता है, ये इसी गोल्डन पर्ल का ज्यादा अच्छा है, मिल जाता है हर, लेकिन गोल्डन पर्ल वालों का ना सस्ता भी मिल जाएगा और अच्छा भी, ठीक है। 180 का है जो डिब्बी है ना, वो 180 या 200 की है। लेना है क्लींजर, ठीक है, क्लींजर आपने इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए लाजमी। आपने स्टार्ट करना है नेक पे थोड़े से लगा लेनी है, फेस पे, नोज पे, ठीक है, और फोरहेड पे ऐसे सही फुल आपने फेस पे लगा लेनी है। ये देखें ऐसे स्टार्ट, इतनी ज़्यादा हीट है इसमें, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सारे करें ऐसे, क्या करना, फेस को ऐसे कुछ कुछ नहीं करते करते कुछ कुछ। अच्छा, दूसरा स्टेप आपने ये करना है नोज पे, फिंगर्स को ऐसे करके, सेकंड स्टेप, ठीक है। मैं वैसे कर चुकी हूँ काफी बार, ये देखें ऐसे, ठीक है, फिर यूँ ऐसे ऐसे करके पानी लगाना है, मैं भूल गई, यूँ ही होगा पानी लगाना है। फिर ये मैम कुछ पालों में तो बहुत जोर से करती हूँ, जोर से नहीं करना इतना, कुछ कुछ दर्शन जोर है नहीं मैम, हाँ ये ऐसे, फिर ये स्टेप यूँ भी होगा, पहले ये देखे ना, ये पहले आपका ये स्टेप होगा ऐसे, और फिर ये अंदर जब आप कर रहे होंगे ना, ये ऐसे भी करेंगे, फिर ये भी करना है, ये स्टेप, ये स्टेप को बड़ा मजा आता है, हाँ, और फिर आपने दोबारा से वही रिपीट करना है, ठीक है, ये और फिर दोबारा तीन बार स्टेप करने हैं आपने। अच्छा, अगेन फिर ऐसे, फिर आपने नीचे आना है, और ये चीज भी मैम करते हैं, वो भी करेंगे बाद में, लेकिन वो ज्यादा उसकी ज्यादा जरूरत आपसे ना वो होने नहीं है, मैम सीखों से करना है कि मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, ये वाला, हाँ सीखों से करना है, नहीं हो जाएगा आपने ऐसे ऐसे, अगर नहीं हो रहा ना, आप जरूरी नहीं है इस पे जगह पे करना, आपने ऐसे कर लेना, कईयों की ये चीज वो थोड़ी सी थोड़ी होती है ना, वो मुश्किल हो जाती है आपको थोड़ी, ये स्टेप आपका अपवर, ठीक है, और जिनकी डबल चिन है उस पर आपने थोड़ा सा प्रेशर डालना है, डबल चिन से क्या होता है, मोटी, ये डबल चिन मोटी होती है ना, हाँ ये चीज नहीं अच्छी लगती, तो आपने प्रेशर डालना है, ठीक है, चली जाती है, हाँ होता है प्रेशर, नहीं काफी हद तक, ये देखें ऐसे, ये प्रेशर आ रहा है ना, अच्छा हाँ ऐसे, फिर दोबारा आपने ये करना है तेज थोड़ा तेज करना, ठीक है, फिर नोज पे ये, और ऐसे कुछ ये वाला स्टेप भी और फिर वो वाला जो मैंने आपको बताया वो, और ये जो आईब्रो वाला ऐसे, फिर आईज पे भी आपने करना है ऐसे, ये जो मैम ने करना है ना आज, इसका भी रिजल्ट देखना है, और जो बाद में हमने करना है उसका भी रिजल्ट देखेंगे, ये देखें हाँ रिजल्ट तो पता चल, यही रिपीट
करने हैं आपने, ये स्टेप रट लो आप। अच्छा मैम कुछ ना लोग कहते हैं कि मतलब जो हम लोग चीज यूज कर रहे हैं ना क्रीम वगैरह, वो जिस्म के अंदर जजब हो जाए तब समझो आपका खत्म वो काम। पाँच से सात तो नहीं, 5 मिनट इनफ है, बहुत है, बहुत ज्यादा है। एक चीज को क्लींजर को रसे स्क्रब को से 5 मिनट, 5 मिनट बहुत ज्यादा है, पौना घंटा लग जाता है फेशियल पे। हाँ जी लग जाता है। ये चीज मतलब जिस्म के अंदर जजब हो जाए क्रीम वगैरह, ये जरूरी नहीं है। नहीं पीछे ना मोस्टली कम करवाती है ज्यादा, ठीक है, जिसके बाल कवर हो अपने पीछे भी मालिश कर लेते हैं। ज्यादा वो होती है ना यहाँ रिंकल होते हैं उस पे अपने आईज पे ऐसे यहाँ प्रेशर पॉइंट देना, ठीक है, इधर से ऊपर को लेके जाना है, ये देखे और शीशे में देखना है, ऐसे देख के ऐसे नहीं करना। अच्छा, ये हो रहा है, ये वहाँ अच्छा। मिरर लगा हुआ है उधर देखिए आपके स्टेप होने चाहिए। मैंने एक दफा भी ऐसे नहीं किया, देखा है ना आपने, ये देखिए साथ साथ आपने लगाते रहना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये उसके बाद आपने फोरहेड जहाँ मर्जी साफ कर लो, ये जरूरी आईज पहले साफ करने, कुछ लोग डैक को पहले साफ करते हैं, जो मर्जी आप कर लें, ये इस पे कोई नहीं है पाबंदी नहीं है, मतलब आईज पहले होना आईज में अंदर ना चला जाए बस। हाँ जी इसका रिजल्ट देख लें आप, चीटी हो गई चीटी हो।